जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र इन दिनों सुर्खियों में है। क्षेत्र के पूर्व विधायक सह वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को भाजपा ने टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास क्षेत्र भ्रमण में निकल चुकी है और लोगों का आशीर्वाद ले रही है। समाज के हर वर्ग से पूर्णिमा मिल रही है। जिला के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरीय नेताओं से मिलकर उनका आशीर्वाद ले रही है। इस दौर में पूर्णिमा दास साक्ची स्थित सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कार्यालय पहुंची और सिख समाज से समर्थन मांगा। बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बातचीत के दौरान जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास ने कहा कि मुझे माहौल सकारात्मक दिख रहा है, अपनी सोच पर निर्भर करता है। पूर्णिमा ने कहा कि महिला सशक्त है, परिवार, बच्चे और समाज का उत्थान महिला से ही है और महिला का विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास होगा। अगर चुनाव में उतरना है तो सभी के पास जाना जरूरी है, एक एक जनता के पास जाना जरूरी है। अगर हम जाएंगे तो हमें प्यार मिलेगा कैसे? हम सबसे पहले हमारे जो प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम आशीर्वाद लिए और हमें बहुत बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे बड़े प्यार से दिया। और जी हाँ, वो हमें जो है आगे सहयोग भी करेंगे। तो मैं अभी सिर्फ ये सेंट्रल गुरुद्वारे में ही सिर्फ अभी आएंगी। मेरा पहला जो है ये रहा है, प्रतिरूप रहा है रूप का। बाकी आगे और भी जगह जाने हैं तो उसके वजह से मैं आप लोगों को समय नहीं दे पाऊंगी। और बहुत जगह लोगों से तो मिलना अभी उतना हुआ नहीं है। अभी हम समाज से, संगठन से, संस्था से मिल रहे हैं। जो जनता है ग्राउंड स्तर में, उनसे मिलना बाकी है। अब वो रूपरेखा तैयार होंगी, उस आधार पे हम वहाँ पे ग्राउंड स्तर में पहुँचेंगे और जन जन समस्याएं उसको सुनेंगे और अपनी जो दिल की ख्वाहिश है वो उनसे विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे